आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम बात करेंगे जो बोर्डिंग स्ट्रीम का बचवा क्वेश्चन है, ठीक है, ये पार्ट 10 होने वाला है जो कि लास्ट पार्ट है। आज हम टोटल जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उसको कम्प्लीट कर लेंगे यहाँ पे, जो कि खास है नहीं, 6-7 क्वेश्चन बचा हुआ है टोटल 50 क्वेश्चन में, ठीक है। ये सारे के सारे जो 50 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो जो पार्ट 1 से लेके बेसिक से लेके 9 तक मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लगाना डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 43 जो होगा हमारा आज का, यहीं से स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, यदि एक नाव जिसकी गति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 12 किलोमीटर दूरी तय करके कुल 3 घंटे में वापस आ जाता है तो धारा का वेग क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बस समझना ये है कि चूंकि वो बोल रहा है, देखिए जो जो गिवन है ना वो आप यहाँ पर मेंशन करते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो वो ये बोल रहा है कि जो वी बी है यानी बोट का जो चाल है वो कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 12 किलोमीटर वो गया फिर 12 किलोमीटर वापस भी आ गया तो टोटल टाइम लग गया 3 घंटा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इन सभी को लेके इक्वेशन बनाना है जो कि हम टाइम के बराबर कर देंगे इक्वेशन को, उस इक्वेशन को टाइम को लेकर ही इक्वेशन बनाना है और टाइम के बराबर मतलब इस तरीके के बराबर टाइम को कर देना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वी बी आपका गिवेन है ना, बस हम यहाँ पर वी एस जो है उसको एज्यूम करेंगे। मान लेते कि वी एस जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ 12 बट्टा यहाँ पे 9 प्लस x, ऐसे क्यों किया हमने, क्योंकि देखिए डिस्टेंस तो 12 किलोमीटर जा रहा है लेकिन डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो जब भी डाउन स्ट्रीम जाता है तो वी बी प्लस वी एस होता है, ठीक है, वही स्पीड होता है, एक्चुअल स्पीड हो जाता है। अब देखिए प्लस फिर 12 किलोमीटर वापस आया लेकिन कैसे, 9 माइनस 1, क्यों क्यों 9 माइनस 1, ये इसलिए क्योंकि वो अप स्ट्रीम आया, उल्टा आया तो इसीलिए घट के आएगा, है ना, वी बी माइनस वी एस, तो जाकर टोटल टाइम क्या लगा, 3, है ना। देखिए डिस्टेंस को अगर आप टाइम से, सॉरी डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम देगा, तो ये भी टाइम, ये भी टाइम, दोनों टाइम आपका 3 घंटे के बराबर था, है ना। तो बस इसलिए टाइम के बराबर हो गया। आगे सॉल्व कीजिए तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 9 प्लस x और 9 माइनस x, तो यहाँ पर हो जाएगा 108 माइनस का 9x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 108 और यहाँ पर होगा प्लस का, सॉरी यहाँ पर 9x क्यों हो जाएगा, यहाँ पर 12x से गुना हो रहा है तो 12 नमा 108 और 12 गुना x तो 12x होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 12 12x, है ना, बराबर यहाँ पे 3। आगे सॉल्व कीजिए तो माइनस का 12x प्लस का 12x आपस में कैंसिल आउट, बचा क्या 108 और प्लस 108 मतलब हो गया 216। बट देखिए अगर यहाँ पर ध्यान देंगे अगर आप तो देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ही रह जाएगा बराबर में 3। आगे देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 216 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो होगा 81 3 गुना 81 यानी हो जाएगा 3×3 3×24 243 माइनस का कितना 3x स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो साइड चेंज कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² = 243 से 216 को घटाएंगे तो आ जाएगा 27, 3 से कटेगा ये 9 बार में और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो आपसे क्या पूछा था, ये तो वी एस पूछा था, तो बस वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको समझ में आया होगा, देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि नदी के धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस नदी में एक नाविक धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में और वापस उसी बिंदु तक आने में कुल 55 मिनट का समय लेता है, शांत जल में नाविक का वेग क्या होगा आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है अगर आप क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान से देखा है, ठीक है, बस सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। आप इसी इसमें मैंने जो भी इक्वेशन से बनाया जिस ढंग से बनाया, आप 44 में भी उसी ढंग से उसी इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, आई होप आप खुद से कर सकते हैं। चलिए आपका, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, लिखना है कि एग्जैक्टली इसका आंसर कितना आने वाला है। ये रहा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन आप नोट डाउन कर सकते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
45 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत कितना 675 सेकंड में 750 मीटर नाव चलाता है और 7.5 मिनट में वापस लौट आता है, शांत जल में उसकी नाव चलाने की गति क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको प्रॉब्लम बस कहाँ होगा, अब तक हम किलोमीटर प्रति घंटा करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिनट है, इसको घंटा में बदल देना था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पर क्या सेकंड है और मिनट है, यानी आप सॉरी मीटर है, यानी आपको करना है क्या है, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में आपको रहने देना है। ठीक है, बाद में चूंकि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ पर आंसर है ना, तो आप करेंगे क्या, आपका आंसर मीटर प्रति सेकंड में ही आएगा। ठीक है, आप करेंगे क्या, इसको बस 18/5 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये करना है। ठीक है, चलिए तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन में इसका इक्वेशन बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं जो इक्वेशन आपको बना दूंगा उसी से आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत कितना 675 सेकंड में 750 मीटर, यानी हम बोलेंगे कि जो धारा के विपरीत यानी वी बी माइनस वी एस जाने में, यानी कि 750 बट्टा, ठीक है, 750 बट्टा कितना 600 आपका हो जाएगा यहाँ पे 675 मतलब ये स्पीड से क्या कर रहा है, वो आप उल्टा जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, देखिए वी बी माइनस वी एस मैंने यहाँ पे किया, मतलब क्या हुआ, वी बी माइनस वी एस मतलब क्या, उल्टे जा रहा है, उल्टा स्पीड है ना, पर्टिकुलर स्पीड, तो पर्टिकुलर स्पीड क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस को हमने क्या किया, डिस्टेंस को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका स्पीड बन गया पर्टिकुलर आगे। तो ये हमारा हो गया एक नंबर इक्वेशन। ठीक है, आगे अच्छा आगे क्या बोल रहा है, और 7.5 मिनट में वापस लौट आता है, मतलब अभी भी डिस्टेंस क्या है 750 ही है, उतना ही वापस आ रहा है, इतना ही गया था ना, जब इतना गया तो इतना ही वापस भी आएगा, है ना, इतना वापस भी आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे बोलेंगे वी बी प्लस वी एस इसके लिए कितना हो जाएगा आपका 750 बट्टा क्या होगा, चूँकि आपका 7.5 सेकेंड में जा रहा था, अच्छा सॉरी यहाँ पे सेकंड नहीं है, देखिए यहाँ पे मिनट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में बदल देंगे, तो 7.5 यानी हम बोलेंगे इसको कितना, इसको बोलेंगे 15/2। ठीक है, ये हुआ आपका मिनट, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो देखिए यहाँ पर कट जाएगा ये कितना बार में, ये कट जाएगा 30 बार में, 30 से 15 का गुना करेंगे तो कितना 15 या 45 यानी 450, तो 450 से 750 को भाग दे दीजिए तो ये भी बन गया आपका क्या स्पीड, तो जो डाउनस्ट्रीम है मतलब वी बी प्लस वी एस आपका कितना होगा 750/450। ठीक है, ये होगा दूसरा नंबर इक्वेशन। बस आगे तो आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आसानी से आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आसानी से आप वी बी या फिर वी एस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था इक्वेशन, इसके सहायता से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मेंशन करना है, बताना है कि इसका आंसर एग्जैक्टली कितना आने वाला है। ठीक है, आप ऑप्शन को फॉलो कर सकते हैं, ये रहा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मैं फिर एक बार बताता हूँ, आपका जो आंसर आएगा ना वो किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। आपको करना क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए बस गुना करना है 18/5 से, तो आपका आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन हमारा होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को नौका नदी प्रवाह की दिशा में 15 किलोमीटर चलाने के लिए 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। ठीक है, और उल्टी दिशा में 5 किलोमीटर चलाने में 2 घंटा 30 मिनट लगते हैं, तो धारा प्रवाह की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटे आपको बताना है। ठीक है, कुछ नहीं, ये भी आसानी है, थोड़ा सा बस पिचाया है कुछ नहीं, देखिए घुमाने का कुछ सवाल ही नहीं है। एक बार तो क्या हुआ कि एक बार वी बी, ठीक है, जो है जो वी बी प्लस वी एस आपका गिवेन है, कैसे गिवेन है, तो देखिए वी बी प्लस वी एस आपका कैसे गिवेन है, चूंकि वो बोल रहा है कि नदी के साथ जा रहा है, कितना जा रहा है 15 किलोमीटर जा रहा है, किस स्पीड किस टाइम में जा रहा है, तो 3 घंटा 45 मिनट में। तो आप ही बताइए कि जो 3 घंटा आपका 45 मिनट है, जो आपका 3 घंटा 45 मिनट है, तो 3 घंटा प्लस 45 मिनट, 45 को हम क्या करते हैं 60 से भाग दे देते हैं।
ठीक है, जैसे 60 से भाग दे देंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 15 से कटेंगे, 15 3 45, 15 4 60, यानी हो जाएगा 4 3 12 और 3 15, यानी 15/4 क्या हो गया, ये घंटा में बदल गया। तो ये टाइम हो गया आपका, इसी टाइम से अगर हम इसको डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में आपका क्या हो जाएगा, ऊपर 4 चला जाएगा और नीचे 15 आ जाएगा, 15 से कट गया ये तो हो गया 4, ठीक है, मतलब VV प्लस VS इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो गया। ठीक है, आगे अब बोले जब उल्टा जा रहा है यानी VB माइनस VS जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो देखिए वो जा रहा है 5 किलोमीटर, ठीक है 5 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन किस टाइम में, 2 घंटा, ठीक है यहाँ पर देखिए कहा गया, अच्छा 2 घंटा 30 मिनट में, यानी हम बोलेंगे 2 घंटा + 30 मिनट मतलब क्या, भाग देते हैं 60 से, 30 से कटेगा ये कितना बार में, दो बार में, यहाँ पर एक हो गया, 2 2 4 1 5, 5/2 घंटा में। तो इसी टाइम से हम क्या करेंगे, इसी टाइम से हम, ठीक है इसी टाइम से हम भाग लगा देंगे इस डिस्टेंस को, तो क्या हो जाएगा, बट्टा में आपका ये 2 जो है ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या डाउन स्ट्रीम हो गया स्पीड, है ना, डाउन स्ट्रीम आपका स्पीड हो गया। अब क्या करेंगे, ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व कीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्लस का VS माइनस का VS कैंसिल, बचा यहाँ पे 2VB इक्वल टू कितना हो गया, 4 और 2 6, तो VB इक्वल टू हो जाएगा 2 से कट जाएगा ये कितने बार में, 2 3 6 3 बार में, तो VB इक्वल टू क्या हुआ, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा क्या, VS बताइए, आपसे कुछ पूछा क्या, देखिए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन में प्रवाह की गति बताने के लिए यानी VS बताने के लिए, VS इक्वल टू क्या होगा, ये VB का वैल्यू किस में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे VB का वैल्यू है आपका कितना, 3 है ना, कितना है ये 3, तो 3 + VS इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, 4, तो VS इक्वल टू हो जाएगा 4 - 3 = 1 किलोमीटर प्रति घंटा, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 47 नंबर, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलाने में 3 गुनी समय लेती है, धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसे नहीं करवाने वाला, यहाँ पे आपको खुद से करना है और इसका आंसर कमेंट में लिखना है, देखते कितने आंसर राइट आता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आसान है, पीछे के जो भी पार्ट्स है उसको देखिए, बहुत से टाइप के क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं, तो उसमें से ये भी एक क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है तथा धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे लेता है, धारा की चाल क्या है, आपसे पूछा है। काफ़ी बार इस तरह का क्वेश्चन हो गया है, चलिए मैं जल्दी से इसको करके दिखाता हूँ। देखिए आपको बोला है कि VB, ठीक है देखिए आपका क्या बोला है, VB प्लस VS इक्वल टू हम बोल सकते हैं, चूंकि वो कितना गया था पहले, देखिए पहले गया वो 4 घंटे में 18 किलोमीटर, मतलब 18/4 करेंगे, ठीक है तो ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है VB प्लस VS आपका 18/4 हो गया, फिर जाके VB माइनस VS इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अभी भी 18 किलोमीटर गया क्योंकि वो वापस आया था, है ना, इतना ही डिस्टेंस वापस आया था, लेकिन किस टाइम में, तो 12 घंटे में वापस आया था, इसे डिस्टेंस को टाइम से जैसे हम डिवाइड करते हैं तो आपका स्पीड मिल जाता है, तो VB माइनस VS इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया, ये रहा 2 नंबर इक्वेशन। आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, चाहे आपको VB निकालना हो या VS निकालना हो, आसानी से आप इसको सॉल्व करके, 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका VB या VS आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर कमेंट में बताइए कितना आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन, एक नाव 10 घंटे में प्रतिकूल धारा में 30 किलोमीटर एवं अनुकूल धारा में 44 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है वही नाव प्रतिकूल धारा में 40 किलोमीटर एवं अनुकूल प्रवाह में 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। अगर आपको याद हो या फिर आपने 8 या 9 पार्ट अच्छे ढंग से देखा है तो मैंने वहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से इसके ट्रिक के साथ इसका जो सॉल्यूशन है आपको बताया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोसेस से कभी भी गलती से करने की कोशिश नहीं करेंगे इसको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, बस पार्ट 8 या फिर 9, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है किसमें मैं करवाया था, लेकिन 8 या 9 में एग्जैक्टली मैंने इस तरह का क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है वहाँ पर दिखाया था कि हाँ इधर क्या लिखेंगे, अप स्ट्रीम इधर लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम इधर लिखेंगे, टाइम, ठीक है अब जो भी मान लेते हैं अप स्ट्रीम एक्स आया, ठीक है डाउन स्ट्रीम मान लेते वाई, फिर यहाँ पर एक्स टू आया, अप स्ट्रीम गया, ये किलोमीटर में है, 1 किलोमीटर होगा,
मतलब ए बी किलोमीटर, ए बी किलोमीटर मतलब डिस्टेंस है, बेसिकली डिस्टेंस और ये टाइम है, ठीक है ना। और वाई टू किलोमीटर गया, ठीक है, और मान लेते कि पहले जो है वो टी वन टाइम में गया था और दूसरा टी टू टाइम में गया था। मैंने दिखाया था कि किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए, आई होप आप क्या खुद से वहाँ पर जाके उस पार्ट को देखकर, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस ढंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा देखिए, लास्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस चैप्टर का जो है वो देखिए क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन करेंगे। एक आदमी शांत पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव चलाता है, जब नदी 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती है तब उस आदमी को एक जगह से दूसरे जगह तक जाकर आने में 1 घंटे का समय लगता है, वह स्थान से कितनी दूरी पर है आपको बताना है, ठीक है। काफ़ी क्लियर कट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला क्या है बेसिकली कि जो वी बी है आपका, ठीक है, मतलब बोट का जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो वी एस है वो आपको 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि ठीक है, एक इंसान क्या गया बोट लेकर, फिर वो वापस आ गया तो 1 घंटे का समय लग गया। आपको बताना क्या है, आपको बताना है क्या कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो हम क्या करें, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं डिस्टेंस 1 किलोमीटर, गया फिर 1 किलोमीटर आया, तो इससे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। वो कैसे, हम लिखेंगे एक्स बाय मतलब डिस्टेंस बाय, यहाँ पर लिखेंगे स्पीड, पहले डाउन स्ट्रीम वाला स्पीड, मतलब जब गया तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, 6 + 1.2 तो हो जाएगा 7.2, ठीक है, प्लस फिर 1 किलोमीटर वापस आया, ठीक है, अप स्ट्रीम उल्टा आया, यानी 6 से 1.2 घटाएंगे तो आ जाएगा 4.8, बराबर लगा 1 घंटा। तो पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 10 गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 से गुना करना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 144, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, यानी कि 20x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 48, 144 मतलब 30x और बराबर का 1। अच्छा, आगे सॉल्व करेंगे तो आपका 30 और 20 हो गया 50x, ठीक है, 50x बराबर हो गया, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 144, तो x बराबर हो जाएगा 144 बट्टा का 50। अब करना क्या है, बस 50 से इसको भाग लगाए तो देखिए दो बार में कटेगा, पहले तो दो बार में कटेगा तो बराबर का 2 पॉइंट, अगर पॉइंट डालेंगे तो फिर कटेगा ये 8 बार में और एक बार कटेगा ये 8 बार में, तो ये टोटल कितना 2.88 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका क्या x का वैल्यू। और x आपने क्या माना था, डिस्टेंस माना था, डिस्टेंस माना था, डिस्टेंस क्या 2.88 किलोमीटर, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, जो कि था आपका बोट एंड स्ट्रीम से, ठीक है, किससे, आपका बोट एंड स्ट्रीम से, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म हुआ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था और काफ़ी ज़्यादा आसानी से और आसान तरीके से हमने पूरे 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। सारी सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थी और प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चन थी, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आपको जिसमें भी प्रॉब्लम हो, मैं उसी क्वेश्चन का टोटल, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, वो टोटल क्वेश्चन बेसिक के साथ कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।